डीएनए यानी डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लियर एसिड। पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं उनके शरीर में असंख्य कोशिकाएं बनाता है जिसे हम लोग लिविंग सेल्स बोलते हैं। लिविंग सेल्स के केंद्र में डीएनए होता है जिसे हम लोग डाइऑक्सी न्यूक्लियर एसिड बोलते हैं। यह एक प्रकार का लंबा और घुमावदार सीढ़ी जैसा एक परत होता है जिसे अणु बोलते हैं, एक अणु होता है। यह एक तरह के गुण को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करता है जिसमें हमारे जो गुण है वो किसी और में ट्रांसफर होता है अपने आने वाली पीढ़ी में, वो एक है सिर्फ और सिर्फ डीएनए की मदद से। यह एक प्रकार का मानव जीव में कोडिंग के रूप में मौजूद होता है और इसे हम लोग ब्लूप्रिंट पे ही तुलना कर सकते हैं, क्योंकि कोशिका के जो दूसरे कंपोनेंट्स है जैसे प्रोटीन और आरएनए ये बनने में निर्देश करते हैं डीएनए की मदद से, इसीलिए हम लोग इसे ब्लूप्रिंट पे ही तुलना करते हैं। डीएनए में एक फॉस्फेट अणु होता और एक शुगर अणु जिसे हम लोग डाइऑक्सी राइबोज बोलते हैं। इनके अलावा चार बेस होते हैं जिसे हम लोग एडिनाइन, साइटोसिन, गुआनिन और व्यानिन कहा जाता है। जब कोशिका टूटकर एक से दो होता है तो डीएनए अपना एक कॉपी बनाता है और एक एक कॉपी कोशिका के साथ डिवाइड किए हुए पॉइंट पे चला जाता है ताकि वहां पे डीएनए मौजूद रह सके। डीएनए के केमिकल स्ट्रक्चर का खोज जेम्स वॉटसन और फ्रांसीसी के क्रिक ने 1953 में खोज किया था और इसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कैसा लगा ये डीएनए का फैक्ट जानकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाले इसी तरह का फैक्ट्स वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, टेक केयर।